वेलकम डियर स्टूडेंट आज बायोलॉजी का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस तो सबसे पहले मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस बताता हूँ उसके बाद मैं इसकी इम्पोर्टेंस में बात करूँगा तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लाइड सेल तकसीम होकर अपने जैसे दो डिप्लाइड सेल बनाता है अब वो सेल जिसने तकसीम होना होता है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं और उसके तकसीम होने के बाद जो नए दो सेल बनते हैं उनको हम कहते हैं डॉटर सेल है. और इंसान में क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है जिसको हम डिप्लाइड नंबर कहते हैं और अगर एक डिप्लाइड सेल से दो डिप्लाइड सेल बनते हैं तो इसको हम कहते हैं माइटोसिस और अगर हम इधर देखें म्यूसिस को तो म्यूसिस में जैसा कि इसकी दो फेजिज़ होती है म्यूसिस वन और म्यूसिस टू म्यूसिस वन अब मैं मेल में और फीमेल में, में अलग अलग डिस्कस करता हूँ मेल के अंदर अगर हम बात करें तो म्यूसिस वन में एक डिप्लाइड सेल तकसीम होकर दो हिपलाइड सेल बनाता है जिनमें क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो हाफ होती है ट्वेंटी थ्री होती है जब म्यूसिस टू होती है तो ये दोनों जो हिपलाइड सेल है ये माइटोसिस की तरह यानी कि डिवाइड होकर दो दो सेल बना देते हैं एज अ रिजल्ट क्या होता है कि चार हमारे पास से हिपलाइड सेल बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तदाद अगर आप देखें तो 23 है जबकि पेरेंट सेल में आपने देखा था 46 है डॉटर सेल में आपने देखा है वो 23 है तो वो अमल जिसमें एक डिप्लाइड सेल तकसीम होकर चार हिपलाइड सेल बनाए इसको हम बोलते हैं म्योसिस तो ये मेल के अंदर मैंने दिखाई है कि एक से चार स्परम बने हैं जिनको गेमीट सेल कहते हैं इसी तरह अगर हम फीमेल में देखें तो जब म्यूसिस वन होती है तो उसके नतीजे में एक हिपेलाइट सेल एन बनता है आप देखें और दूसरा पोलर बॉडी बनता है जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं क्योंकि इसके पास फूड बहुत कम होती है लहजा जब म्यूसिस टू होती है तो ये एक पोलर बॉडी अपने जैसे दो पोलर बॉडी यानी सेकेंड पोलर बॉडी बनाती है इसी तरह ये जो हिपेलाइट सेल है ये तकसीम होकर एक पोलर बाडी और एक ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम वाला हिपेलाइट सेल जिसको एग कहते हैं अंडा कहते हैं वो बनता है तो एज अ रिजल्ट म्यूसिस टू अगर आप देखें तो तीन यहाँ पे पोलर बॉडीज बनी है म्यूसिस टू के नतीजे में और एक यहाँ पे एग बना है तो आप कह सकते हैं कि म्यूसिस के नतीजे में फीमेल में यानी लड़की में यानी औरत में हर महीने एक एग बनता है चार एग नहीं बनते तो आइए चलते हैं अब इस लेबर डायग्राम की मदद मतलब से मैं आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ कि ये कब होता है माइटोसिस और म्यूसिस का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता भी है या नहीं होता आपके जेहन में ये क्वेश्चन होता है कि हमने बुक में पढ़ा रटा लगाया होता लेकिन हमें ये नहीं आइडिया तो ये चलते हैं आपके सामने ये दो मैंने जानदार बनाए हैं मेल है एक और दूसरा फीमेल है यानी कि ये नर है और एक ये मादा अब जब इनकी एज हो जाती है टीन एज यानी थर्टीन ईयर की उम्र इनकी हो जाती है तो उसके बाद इनके यहाँ पे अगर आप देखें जो गुनेड्स हैं मेल गुनेड्स को हम कहते हैं टेस्टिस और फीमेल गुनेड्स को हम कहते हैं ओवरी यानी कि ये टेस्टिस और ओवरी वो फैक्ट्रीज है मेल और फीमेल के अंदर जिनके अंदर गीड सेल का ने बनना होता है यानी कि एग और स्पर्म ने बनना होता है तो आप समझ ले कि ये जो दोनों हैं ये फैक्ट्रीज़ हैं इनके अंदर ये जो म्यूसिस के नतीजे में स्पर्म और एग बन रहे हैं ये इनकी प्रोडक्ट है यानी कि अप्लाइड सेल अब टेस्टिस में जब म्यूसिस होगी तो स्पर्म बनते हैं ओवरी के अंदर जब म्यूसिस होगी तो एग बनती है तो याद रखिएगा टेस्टिस और ओवरी बजाते ख़ुद भी डिप्लाइड है जब इनके अंदर मीओिस का प्रोसेस होगा तब इनके अंदर हिप्लाइड सेल बनेंगे जिनको हम स्परम और एग का नाम देते हैं ये आपके सामने स्परम है ये एग है तो जब, जब इनका मिलाप होता है यानी कि जब इंसान की शादी होती है सुनते नब्वी के मुताबिक उसके बाद जो दोनों जानदारों का जब मिलाप होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है मेल और फीमेल के गेमिट्स जब मिलते हैं तो उसके नतीजे में जयगोड बनता है अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने काफ़ी स्पर्म बनाए हैं और एग यहाँ पे एक ही है उसकी वजह ये है कि हर माँ फीमेल की बॉडी में एक एग बनता है और स्पर्म जो होते हैं वो मिलियन के हिसाब से होते हैं तो जो स्पर्म पहले इसके साथ मिलेगा फर्टिलाइज़ करेगा वही जयगुड बनाएगा वो बेशक मेल का हो एक्स क्रोमोसोम हो या वाई हो जयगुड उसी का ही होगा तो इस ये जो जई बना आप देखिए एन और एन यहाँ पे टू एन बना है यानी कि 23 और 23 46 क्रोमोसोम दोबारा इसमें आ चुके हैं इस जाइगोट में ये एक सेल है अब फीमेल की बॉडी के अंदर ये जाइगोड जो होता है वो नाइन मंथ का पीरियड जिसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं वो गुजारता है और इसमें जो सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है एक सेल से दो बनते हैं चार बनते हैं आठ बनते हैं ये चलता जाता है सिलसिला और एम्ब्रियो बनने तक ये सिलसिला जारी रहता है आपने पढ़ा होगा द ब्रांच ऑफ बोलॉजी डैट डीज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द जई टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसके बाद फिर नाइन मंथ का पीरियड कंप्लीट होता है तो यहाँ पे बर्थ हो जाती है इस बच्चे की ये पैदाइश हो जाती है जब बर्थ होती है तो आप देखते हैं कि उस वक्त इसका नाइन मंथ का पीरियड कंप्लीट हो चुका होता है बर्थ के बाद फिर ये एक साल का होता है दो साल का होता है और अगर आप देखें ये जो सेल डिवीजन का सिलसिला है वो फिर से जारी रहता है यानी कि माइटोसिस इसकी जारी रहेगी माइटोसिस का प्रोसेस दो तीन साल चार साल पाँच साल की उम्र हो जाती है दस साल हो जाती है उसके बाद फिर दोबारा वो जो बच्चा है या बच्ची है उसकी जब उम्र तेरह साल होगी तो मीओसिस का प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा लेकिन माइटोसिस जारी रहेगी क्योंकि माइटोसिस जो है वो ग्रोथ की जिम्मेदार है बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है वो ग्रोथ का नतीजा है और जब मी है वो तो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है उसकी एज मुकर है कि तेरह साल या उससे ऊपर जैसे ही बच्चा जाएगा तो उसमें मी का अमल होगा और मेल में स्पर्म बनते रहेंगे और पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिलीज भी बॉडी से होते रहते हैं और इसी तरह फीमेल के अंदर एग बनते रहते हैं तेरह साल के बाद और बॉडी से वो मैनसिस की शक्ल में रिलीज होते रहते हैं तो फिर दोबारा जब ये इनका आपस में मिलाप होता है ये जो मिलने का अमल है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स इज कार्ड फर्टिलाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आर डिप्लाइड सेल इज फॉर्मड विच इज कार्ड आर जी गोटोट अगेन अंडर गो थ्रो चेंजिज थ्रो सेल डिजन विच इज कार्ड माइटोसिस एंड माइटो माइटोसिस लीड्स टू एम्बर्यू फॉर्मेशन एंड देन एम्ब्रियू फाइनली लीड्स टू बर्थ एंड आफ्टर बर्थ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस स्टिल कंटिन्यू अप अपू द एज ऑफ वन ईयर टू ईयर थ्री एंड थर्टीन ईयर एंड अप टू ऑनवर्ड डेथ यानी कि माइटोसिस का जो अमल है वो किसी भी जानदार की जिंदगी में रुकता नहीं है यानी कि बच्चे के पैदा जईगोड से लेके पैदा होने तक पैदा होने से लेके जवान होने तक जवान होने से लेके दोबारा कब्र तक जाने तक माइटोसिस का प्रोसेस जारी रहता है और मियोसिस का अमल जो तेरह साल की उम्र में शुरू होता है और उसके बाद वो चलता जाता है मेल में अप टू डेथ मियोसिस का प्रोसेस चलता रहता है और फीमेल में ख़ास पीरियड है चालीस से पैंतालीस साल की उम्र का जहाँ पे जाके मियोसिस स्टॉप हो जाती है यानी उसके बाद फीमेल जो है वो एग नहीं बना सकती क्योंकि उसके अंदर मीओसिस का प्रोसेस रुक चुका होता है जब एग नहीं बनेगा तो वो आगे रिप्रोडक्शन यानी नया बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होगी अब मैं चलता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस की जानब अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो डिवेलपमेंट हो रही है जाइगोड से लेके एम्ब्रियो डिवेलप हो रहा है बन रहा है तो ये माइटोसिस की बदौलत है और उससे आगे डिवेलपमेंट के बाद ग्रोथ शुरू हो चुकी है कि बच्चा छोटे से बड़ा होना शुरू हो गया बर्थ के बाद ये जो प्रोसेस है ग्रोथ का ये भी माइटोसिस की बदौलत ही है उसके बाद अगर हम देखें तो बज़ दफ़ा हमारी स्किन के अंदर या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेस्टिव कैनाल है उसके सेल जो टूटते रहते हैं ख़ुराक के गुजरने की वजह से वो सेल दोबारा नए बन जाते जिसको हम सेल रिप्लेसमेंट का नाम देते हैं और सम टाइम बाज़ जानदार ऐसे होते हैं जिस तरह स्टार फिश है उसका अगर थोड़ा सा बाजू को कट लग जाता है तो वो अपना बाजू ही दोबारा बना लेती है तो किसी जिसम जानदार के जिसम के कटे हुए हिस्से का दोबारा बन जाना उसको हम बोलते हैं री जनरेशन द फॉर्मेशन ऑफ द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कार्ड रीजनरेशन तो अब अगर हम देखें तो जितने भी जानदार है जिनमें माइटोसिस होती है अगर वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं तो वो 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 रिप्रोडक्शन कहलाता है यानी कि ए सक्सर रिप्रोडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी एक ही जानदार से नए जानदार पैदा होते हैं लेकिन उसमें मुख्तु किस्म के मसाइल भी आते हैं आगे कि अगर एक जानदार में कोई डिजीज़ है तो वो आगे दूसरे जानदारों में जो उससे नए बनेंगे उनमें भी ट्रांसफ़र होती है चाहे वो प्लांट प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं तो अगर हम म्यूसिस की बात करें तो म्यूसिस में होता क्या है कि क्रोमोसोम की तादाद क्योंकि हाफ हो जाती है गेमीट बनने बनते वक्त और जब गेमीड्स का मिलाप होता है तो क्रोमोसोम की तादाद फिर दोबारा बहाल हो जाती है इस तरह क्रोमोसोम की तादाद जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में कॉन्सटेंट रहती है ना तो वो कम होती है ना ही ज़्यादा होती है यानी कि मेंटेनेंस मेंटेनेंस आप कह सकते हैं क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट हम बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन कि जो नया जानदार पैदा होता है उसके अंदर जो वेरिएशन आती हैं तब्दीलियाँ आती हैं तगैर आते हैं वो किस वजह से आते हैं क्योंकि दो जानदारों के डी एन ए का एक्सचेंज होता है क्रॉसिंग ओवर होती है हैसिस के अंदर जो हमने एम्यूसिस वन में पढ़ा था प्रोफेज़ वन में होमोलोगस क्रोमोसोम सामने एक दूसरे आमने सामने आके जोड़े बनाते हैं सिनेप्सिस करते हैं कि आजमेट आके बाद वो अपने सेगमेंट का एक्सचेंज करते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर है जिसके नतीजे में नए ख्वास यानी नई खसूसियात आ जाती हैं नए जानदार में जिसको हम वेरिएशन्स का नाम देते हैं तो वेरिएशन्स हमेशा जो उन्हीं जानदारों में आती हैं जो मियोसिस के नतीजे में गेमीट के मिलाप से बनते हैं सम टाइम म्यूसिस में एरर्स uh, भी आ जाती हैं गलतियाँ भी हो जाती हैं म्यूसिस में जैसा कि हमने पढ़ा था म्यूसिस वन में जब uh, जो क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है अगर तो नॉर्मल सेपरेशन होती है यानी कि म्यूसिस वन में उससे टू में एनाफेस के दौरान तो होता क्या है कि क्रोमोसोम 23 23 हिपलाइट सेल बनते हैं तो टाइम क्रोमोसोम की जो सेपरेशन है वो नॉर्मल की बजाय अब नॉर्मल हो जाती है। जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल होता है वो तो बन जाता है लेकिन अब नॉर्मल कब फिर बनेगा कि जिसमें क्रोमोसोम की तरह या तो एक कम होगी 22 हो जाएगी या एक ज़्यादा क्रोमोसोम चला जाएगा तो 24 होगी तो जब इस तरह के हम एक नॉर्मल गैमीट्स का मिलाप करवाते हैं किसी अब नॉर्मल गैमीट्स यानी कि 22 क्रोमोसोम वाले या 24 क्रोमोसोम वाले के साथ उसके नतीजे में जो बनने वाला नया जानदार होता है उसमें अगर हम क्रोमोसोम देखें तो या तो 45 होंगे या 47 होंगे तो इस तरह के जानदार को हम कहते हैं ये अब नॉर्मल जानदार है क्योंकि ये अब नॉर्मल गेमीट्स के मिलाप से बना है तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सारे प्रोसेस की अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि हमारी बॉडी के अंदर कब माइटोसिस होती है और कब मियोसिस होती है और कब तक ये चलती जाती है और हमें कैसे पता चलता है कि बॉडी में मियोसिस हो रही है या नहीं हो रही और जिनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता तो डेफिनेटली उनकी नेक्स्ट जो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा तो नेक्स्ट बच्चा जो पैदा नहीं होगा तो टाइम ये हो जाता है ऐसा प्रोसेस के हार्मोनल कमी की वजह से या अदर जो बॉडी के जो प्रॉब्लम्स हैं डिसऑर्डर्स हैं डिजीज हैं उनकी वजह से म्यूसिस का अमल नहीं होता ये मेल भी हो सकता है या फीमेल हो सकता है अगर मेल के अंदर ये प्रोसेस रुक जाता है तो स्पर्म नहीं बनेंगे इसी तरह फीमेल के अंदर जो एक एग बनता है अगर वो म्यूसिस नहीं हो रही तो नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि वो एग नहीं बना रही तो फिर ये टेस्ट के जरिए पता चलता है कि मेल के अंदर स्पर्म का इशू आ रहा है या फीमेल के अंदर एग का आ रहा है उसके लिहाज से फिर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है तो उम्मीद करूंगा कि इस सारे वीडियो की आपको समझ आ चुकी होगी अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पुट कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें इस तरह के लेक्चर हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा तो, तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा जाचूंगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा